तुम कौन है रे? तुम मुस्लिम आदमी को ऐसा बदनाम कर रहा है, ये वीडियो बना के, ये फिल्म बना के क्यों फालतू में ऐसा वाला इस्लाम को बदनाम करता है? तुम आदमी कौन है? तुमको मालूम है केरला में क्या चलता है क्या नहीं चलता है? केरला का आदमी अच्छा है बुरा है कैसा मालूम है? तुम कैसे ऐसा बात करता है? तुमको बुद्धि नहीं है ऐसा बात करने के लिए? इधर पूरे हिंदू आदमी ऐसा है, पूरे मुस्लिम आदमी ऐसा है, क्यों फालतू का केरला का फायदा है ऐसा उल्टा बात करता है? ऐसा फायदा नहीं है। ये तुम किधर गए? बड़ा सेलम है निकले पोहड़े। ऐसा बात करने वाला जो केरला का आदमी है जिनसे मैंने बात की, ऐसा जवाब मिलता है भाई। और हम इस ट्रेलर में अगर देख रहे हैं तो ट्रेलर की बात कुछ ऐसी है। आइए दोस्तों मिलकर देखते हैं इस मूवी के ट्रेलर को, जो द केरला स्टोरी मूवी जो भी आने वाली है अगली 5 तारीख को। तो हम इस सीजन का रिव्यू करते हैं और देखते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चीज हम आपको दिखाएंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि ये बात सही है या गलत है। मैं केरल में ही हूं और केरल से ही ये वीडियो बना रहा हूं और केरल में ही इन बातों को पूछा है मैंने, सर्वे किए हैं, एग्जांपल कुछ 10-15-20 लोगों से मैंने ये सब पूछी है। उनमें से ज्यादा मुश्किल से एक या दो आदमी होंगे जिन्होंने ऐसी बात बोली है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी 15-16 आदमियों ने जितने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये बात हकीकत है, 99% सही बात है। लेकिन उन लोगों ने, जब मैंने कहा कि मैं वीडियो बना सकता हूं आप लोगों की, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, साथ में मैं आपको ब्लर भी कर दूंगा, फेस भी रिवील नहीं करूंगा, तो सिर्फ यहां दम नहीं निकली। बोला भाई नहीं भाई, वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं मुश्किल आएगा, मेरा बीवी है मेरा बच्चा है, ऐसा बात है। तो ये सारी चीज होने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ पे बोलने की तो दम है नहीं और ना ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं भी स्पेशली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशल मैं बता दूं, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी इस्लामिक बंदे को या क्या बोलते हैं मुस्लिम भाई को, किसी को भी मैं ये हेट नहीं दे रहा हूँ। मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ द केरला स्टोरी, इसमें जो दिया है क्या ये सही है? और सही है तो उस पर पहले एलिगेशन लगाना, मुझ पर बाद में लगाना। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं और कितनी परसेंट सही है और कितनी परसेंट गलत है। आइए देखते हैं मेरे साथ इस ट्रेलर को। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसआईएस? आईएसआईएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों ने बहुत से लोगों के, बहुत से मुस्लिम भाइयों के मुंह से सुना होगा, बहुत से आपके पास में भी रहते होंगे वो भी यही कहते होंगे, ये दुनिया का मालिक सिर्फ एक है। हाँ ये बात सही है, एक है, लेकिन तुम जो कहते हो कि अल्लाह है, ये मैं मानता नहीं हूं, बस इस चीज को मैं मानता ही नहीं हूं, बस दूसरा कुछ नहीं, ना मैं इसमें हेट दे रहा हूं। आगे और सुनिए क्या है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। ये कितनी कूट कूट के नफरत जो इनमें रहती है, वो नफरत यहाँ सामने आई है। और इस मूवी को मैं, मूवी क्रिएटर जो भी हैं, मैं इनको भाई सत सत नमन करता हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रखता हूँ, अगर आपकी ये मूवी ऐसी है, इसी टॉपिक पे है और यही है सब कुछ और सच्चाई है इसी तरीके से, ऐसा ना हो कहीं ये हिंदुत्व मूवी की तरह प्रोपोगंडा बन जाए ये सारी। हालांकि कहने वाले तो बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि ये प्रोपोगंडा है, ये ऐसा फंसाने का, ये करने का। तो मैं बस यही कहूँगा, ये अगर ऐसी ही मूवी है तो ये भाई आपका तहे दिल से आपका सपोर्ट करता है। ऐसी सच्चाई दिखाने के लिए जिगरा चाहिए भाई, मुझे मैं ता बोल के बोलता हूँ, ऐसी में जिगरा चाहिए। और ये जिगरा अगर आपने इस मूवी में दिखाया है तो मैं आपका बहुत ज्यादा ही आभारी हूँ। और हाँ, यही चीज तो हम सिखाते हैं, यही चीज तो हम सामने लेके आना चाहते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे भाई हैं सत्य सनातनी, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, सुरेश भाई, सत्य सनातन जो हमारे अंकुर आर्या जी हैं और एक भाई हैं जो महाराष्ट्र में बिहारी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनका नाम नहीं पता मुझे, आदर्श कुछ ऐसा है, वो जितने भी सनातनी हैं ये वीडियो जो क्रिएट करते हैं हिंदुत्व के लिए, जितने भी सनातनी को जगाने के लिए, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ हर दम।
और यही सब समझाते हैं कि कोई भी लड़की ना फंसे ऐसी जिहादी के चक्कर में। आगे देखिए और क्या है इस वीडियो में। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? ए, क्या बदतमीजी है ये? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? हाँ ये बात एकदम सही है और 100% सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि आप लोगों ने जहां भी कहीं रेप कांड अगर देखे होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं हैदर आमिर शाबाद लौड़ा लहसन जो भी ये सब निकले होंगे नाम वाले, लेकिन कभी किसी ने देखा मोहित रामू श्यामू ऐसा कोई इन्होंने मिला जिसने रेप किया हो इस तरीके से? ये चीज इन्हीं में क्यों आती है और ये चीज इनको चीज कन्वर्ट करने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं जो कि हिंदू लड़कियां आ भी जाती हैं और कन्वर्ट हो भी जाती हैं। क्यों भाई? तुम जब तुम्हारी कम्युनिटी के लिए ही तुम्हारा अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा और हमारी कम्युनिटी के लिए अगर बात आ गई तो क्या बताएं यार, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आगे देखिए आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। शालिनी फातिमा दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 girls में से 7 Christian हैं, बाकी हिंदू हैं। नारे तकबीर! मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियाँ हैं, जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता और इससे ज्यादा मैं अगर कुछ कहूंगा तो मेरी कुछ अंतरी आत्मा क्या बोलेंगी वो कुछ आप समझ सकते हो और नहीं भी समझ सकते ना समझने वाले। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आपसे यही विनती करूंगा, इस मूवी को जरूर देखने जाना और खास तौर पे हमारी जो हिंदू सनातनी बहन बेटी है वो जरूर जाना इस वीडियो को देखने और देखने जाने के बाद और लोगों को भी दिखाने जाना, क्योंकि अगर ये वीडियो ऐसी है तो मैं इस वीडियो का सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इस मूवी का सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा ऐसे लोग जो हमारे हिंदू सनातनी को सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग सब समझ गए होंगे, इतने से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और अगर समझाने की भी जरूरत है तो मैं यही कहूंगा, बार बार कहूंगा, जाओ 5 तारीख को आ रही है, 5 तारीख को रिलीज होगी और मैं इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा देखूंगा और जाके आपको भी ये छोटी सी क्लिप में बताऊंगा कि ये मूवी कैसी रही। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात कुछ समझ में आई होगी और मैंने किसी को हेट नहीं दिया है। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात को मैं विनती चाहता हूँ, आप माफी मांग सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से बस यही कहूंगा, अगर आप लोग नए चैनल पे आए हो अगर नए टपके हो तो बस इतनी सी विनती करूंगा, ये जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है यहाँ कहीं इसको दबा दो और बेल आइकन ऑन कर देना नोटिफिकेशन ऑन करके, तो आप लोग जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप मेरी वीडियो देख सकते हो और मैं ज्यादातर ऐसी ही वीडियो और रोस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, आपको एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ खास करके आप लोगों को हंसाने के लिए। लेकिन जब भी कहूँ जब भी मेरी वीडियो आए आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन दबाओ, थोड़ा मेरी मेहनत का भी फल मुझे दिखेगा क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूँ आपकी लाइक से आपके कमेंट से। आप कमेंट जरूर करिएगा कैसी आपको वीडियो लगी। बस चाहते हैं आज के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।